ये ऐसी बातें करेंगे। अब क्या हुआ कि लिथियम हमारे पास, मैंने और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं इनके, वो कहते हैं कि ये तो हमारे हैं, ये तो हमारे हैं, लिथियम हमारा है, और इनको ये नहीं पता कि लिथियम से बैटरी बनेगी कैसी। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज फिर ट्वीब्रो ऑफिशियल का वीडियो है जिसमें वो पाकिस्तान को रोस्ट करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि वो कैसे बहुत ही जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को रोस्ट करते रहते हैं। तो आज जो रोस्ट करने वाले हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में जो लिथियम मिला है उसके ऊपर पाकिस्तान में क्या मिला है, ऑयल और गैस जो आए दिन वहाँ के न्यूज़ चैनल्स और नेता लोग कहते रहते हैं, तो उसी को लेकर टी ब्रो भाई उनको रोस्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। लिथियम पर जल्द खत्म होगी विदेशी निर्भरता, जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का भंडार। आप करता है कि कराची के इलाके मंगूपीर खैराबाद के करीब खाली मकान से दस्ती बम मिला है। हेलो, इंडिया में लिथियम का भंडार क्या मिला? पोर्कियों पर दुखों का सैलाब आ गया है। बंदे इस कदर उतावले हो गए हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल ढूंढने के लिए लाइसेंस तक जारी कर दिए गए हैं। मुल्क में तेल और गैस की तलाश के लिए 6 लाइसेंसेस जारी कर दिए गए हैं। और जब कंपनियों ने पाकिस्तान में तेल ढूंढना शुरू किया तो पोर्कियों को खुदाई के दौरान मिला ये कंकाल, जो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है। भाई, अगर आतंकिस्तान में और कुछ मिलने की उम्मीद भी क्या कर सकते हो? या तो बम या फिर असला बारूद। और अगर पोर्की इन चीजों का सही सलामत इस्तेमाल कर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। इस्लामाबाद की इस्लामी यूनिवर्सिटी से 3 से 4 रोज पुरानी लाश मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी पोर्कियों का कहना है लिथियम हमारे पास भी निकल आएगा। अबे कहाँ से निकल आएगा? पेड़ से? साला गैस पेट्रोल निकालने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान तो पहले ही खोज चुके हो, अब क्या लिथियम खोजने के चक्कर में पृथ्वी के आर पार छेद करोगे? कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है भाई। आज जो हाल इस बंदे का है वही हाल कुछ सालों पहले कटोरा खान का भी था। जिस तरह आज ये पाकिस्तान में लिथियम निकलने का ख्वाब देख रहा है, उसी तरह कटोरा खान भी अपनी आवाम को गैस पेट्रोल निकलने का ख्वाब दिखाया करता था। आगे समुंदर में गैस का कुआं खोदा जा रहा है और हो सकता है कि वहाँ से इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही कटोरा खान ने अपनी आवाम को ये खुशखबरी दी, आवाम खुश। बंदों ने इस कदर जश्न मनाना शुरू कर दिया मानो गैस का भंडार ढूंढा ना जा रहा हो, बल्कि गैस का भंडार मिल ही गया हो। यहाँ तक पाकिस्तानी मीडिया ने तो उसे एशिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार ही घोषित करके रख दिया था। कराची के करीब जेर समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। वजीर आजम इमरान खान ने कौम को अच्छी खबर सुना दी, कहते हैं 3 हफ्ते में बाकायदा तौर पर खुशखबरी देंगे। समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग के बाद टेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। हुक्काम के मुताबिक तेल और गैस का जखीरा नहीं मिल सका, नजर लग गई। और इसी के साथ जो पाकिस्तानी मीडिया कल तक तेल निकलने का दावा कर रही थी उसका तेल न मिलने के बाद कहना था अफसोसनाक खबर, मिल जाता तेल तुम्हारे न्यारे हो जाते, बड़ा मुश्किल वक्त है कॉम पे। और उधर पाकिस्तानी आवाम जो मुल्क में गैस और तेल का भंडार निकलने की आस लगाई बैठी थी, वो उन्होंने तेल का दावा किया था हम तेल की गरीब खुशखबरी देंगे, लेकिन उन्होंने तेल निकालने के बजाय आवाम के तेल को निकाला। भाई, गैस पेट्रोल न मिलने की बेइज्जती का कटोरा खान को इतना तगड़ा सदमा लगा कि बंदा कुछ सालों तक तो गैस पेट्रोल से बाहर निकलकर कुछ सोच ही नहीं पाया था। यहाँ तक कि जो किलो के भाव बिकता है वो तक बंदे ने सदमे में होने के कारण लीटर में बेच डाला। 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता। समुंदर से तेल न मिलने का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पोर्कियों ने फिर से तेल मिलने का हल्ला मचा दिया। और इस बार तेल कहाँ से निकला? ये खुशखबरी सामने आ गई है कि समुंदर से ना सही पंजाब के पोटोहारी इलाके से तेल निकल आया है। और जो तेल निकला उसकी हकीकत, लोगों ने जब बोरिंग करवाई है तो पानी और तेल एक मिक्स एक सब्सटेंस निकला है जिसको जिससे तेल की बू आ रही थी, तो लोगों को लगा शायद ये तेल। गजब बेइज्जती है। मतलब बंदों को एक बार की बेइज्जती कम पड़ गई थी जो फिर से करवा ली। पता नहीं साले खुद की इतनी बेइज्जती करा कैसे लेते हैं। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। और उनमें से ही एक है ये पोर्की, जो हर बार लंबी लंबी फेंकते हैं और हर बार इन्हें मुँह की खानी पड़ती है, लेकिन बंदे फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, हर महीने मुँह उठाकर। अच्छी खबर ये है कि केपीके में तेल और गैस के जखायर दरियाफ्त हुए हैं। सिंध में तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ।
है। कुहाट से तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त कर लिए गए। मतलब बंदों ने पाकिस्तान में शायद ही कोई जगह छोड़ी होगी जहाँ से गैस और तेल न निकाला हो। मानो पाकिस्तान जमीन पर नहीं गैस और तेल के समुंदर पर बना हो कि जहाँ भी जमीन पर फावड़ा मारा। इस्लामाबाद के G13 में तेल निकल आया और उधर आवाम जिसका खुद का तेल निकल चुका है वो सुबह से ऑफिस जाने के लिए खजल खवारी हो रही है। कहीं पेट्रोल पंप पे गए हैं, कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा। मैंने इनसे कहा है मुझे पेट्रोल चाहिए तो कहते हैं नहीं है, खत्म हो गया। पहले पहुंचे तुम ये बताओ जब तुम्हारे मुल्क में आए दिन इतना ही तेल निकलता है तो वो जाता कहाँ है? पानी की जगह तेल पी जाते हो या फसलों में पानी की जगह तेल डाल देते हो जो गाड़ियों में तेल डालने के लिए नहीं मिलता? क्योंकि मुल्क में तो तुम्हारे इतना तेल निकलने के बाद भी ये हालत है। शहरों में पेट्रोल का बहरान शदीद होने लगा है। गुजरांवाला में 90% पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल पंपों से गायब है, हुकूमत डंडा उठाने पर तैयार। मुल्क में सिर्फ 10 दिन का पेट्रोल बाकी रह गया। चलो पोर्टियो पेट्रोल छोड़ो, तुम ये बताओ आप लोगों ने नाश्ता किया? गैस आ रही है? आपकी घर आ रही है? 2 महीने हो गए गैस बिल्कुल नहीं आ रही। गैस ढूंढने जाते हैं, सुबह ही निकलते हैं लेकिन कहीं मिलती नहीं है, इलाके में कहीं मिल नहीं। लकड़ी जला जला के आंखें खराब दी गई, गैस जो नहीं। और भाई इनकी ये हालत तब है जब पाकिस्तान में अंधाधुंध गैस के भंडार मिल रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, सिंध में गैस के नए जखायर मिल गए। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आता कि आखिर कोई इतना मुंह फट कैसे हो सकता है जबकि पोर्टियों की हालत। आजकल लोग गैस सिलेंडर उठाए फिरते दिखाई देते हैं मगर उन्हें गैस नहीं मिल रही। चूल्हे ठंडे, गीजर बंद, गैस छुट्टी पर है। लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अलमारी तोड़ी है, कभी टीवी ट्रॉली तोड़ते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ कर जब खाना बनाया जाता है। अबे पोर्टियों अभी तो सिर्फ अलमारी टीवी ट्रॉली तोड़ कर खाना बना रहे हो, अगर अब भी नहीं सुधरे तो पूरा मुल्क फूंक कर खाना बनाओगे। क्योंकि भाई इन पोर्टियों का क्या है, बंदे पूरी तरह बर्बाद है लेकिन जोश। जब तक हमारी गैरत जागेगी ना ये इंडिया भी हमारा ही होगा। मतलब भाई रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बंदे गैस पेट्रोल से लेकर एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज है लेकिन इंडिया में अगर फटने का जोश ठंडा नहीं हुआ। उल्टा जब से पोर्टियों को इंडिया में लिथियम का भंडार मिलने की खबर मिली है तब से पोर्टी लिथियम बैटरीज बड़ी यूज में है। जो पाकिस्तान का हक है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए। मुंह में ले ले मेरा। हेलो, जब से कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने की खबर आई है पोर्टियों में कश्मीर लेने का जोश डबल हो गया है। कल तक जो पोर्टी सिर्फ कश्मीर को ही अपना कहते फिरते थे आज उनका कहना है हम पूरे इंडिया के मालिक हैं, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया का मालिक बनने का ख्वाब देखने वाले पोर्टियों की हकीकत। लाइनों में लगना पड़ता है, जलालत होती है, आटा नहीं मिल रहा है। ये जो बेटा है ना, ये जो खड़ा है, ये स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियां लेकर आया है बैग में, घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। मेरे रोने को मत देखे, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। ना ना बेटा, ना ना ना, रोते नहीं है, आजा, मुझे नहीं मालूम था इस घर में मजाक करना अलाउड नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आता नहीं तो कश्मीर हमारा नहीं, पूरा वैसा हिंदुस्तान ही हमारा है। बिल्कुल है भाई, इस बात से तो आप भी नहीं इनकार कर सकते। अच्छा एक चलो आज अलहदा हो गए, कभी तो साथ में ही थे ना। एक तो बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा बेटा है, बेटे का हक दे दो फिर। हाँ, बातें करने वाले हैं तो बनना चाहिए, बनता है, बनता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ट्वीट ब्रो भाई बहुत ही गंदा है, इन लोगों को रोस करते हैं ये। इनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और भी कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो वो पाकिस्तान को लेकर बनाते ही रहते हैं। और जहाँ तक बात रही लिथियम मिलने की, तो वो एक बंदा कह रहा था हमारा हक है कि हमें भी मिलना चाहिए। अरे कश्मीर तो आपका है ही नहीं, कश्मीर तो इंडिया का पार्ट है, तो आपको लिथियम कैसे मिल जाएगा? लीगली तो कश्मीर भारत का ही है, आपका थोड़ी है कि आपको मिल जाएगा। जो आपने इलीगली हथियार रखा है वो भी हमारा है, कुछ साल रुक जाइए वो भी हमारे पार्ट हो जाएगा। लीग जो हम डिप्लोमेसी या कुछ भी करके हम जो वापस ले लेंगे, तब रोते रहना। और ये न्यूज़ चैनल्स वाले और वहाँ के नेता लोग भी गजब के हैं, हर महीने खबर लेके आ जाते हैं कि यहाँ पे गैस मिली या पेट्रोल मिला या कुछ, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर इनको मिल भी जाए तो उनको क्या करना है? इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज तो है नहीं, और करप्शन ही इतना ज़्यादा है कि वो घपला करके उसको भी किसी न किसी तरीके से चाइना को दे देगा या और कुछ ऐसा करेगा। और जो ये बता रहे थे कि अगर खुदाई भी कर रहे तो वो कंकाल निकला, वो भीख मांगने वाला, तो यही तो आपकी औकात है क्योंकि आपने जो इतने साल किया है तो आज ही आपका हालत है। और जो इमरान खान कहता है था कि 50 सालों तक हमें बाहर से गैस नहीं मंगवानी पड़ेगी, तो अगर आपके पास इतना ज़्यादा भंडार होता तो
आपके लोगों की ये आज हालत नहीं हो रही होती। आप अपनी जरूरत तो पूरी कर ही रहे होते और उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे होते और उससे भी कुछ ना कुछ पैसे कमा लेते, दूसरे देशों से भीख नहीं मांगनी पड़ती और IMF की शर्तों से आपको नहीं चलना पड़ता। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।